तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल लिविंग विद नेचर में। आज मैं जिस पौधे के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ उसका नाम है सदाबहार। इसको नयनतारा, बारहमासी, संघ पुष्पा, सदाफुली आदि अन्य अन्य नामों से भी जाना जाता है। और सदाबहार के आयुर्वेदिक गुण तो हैं ही। इसको सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सदा फूलों से लदा रहता है और हर साल भर पूरे साल हरा भरा रहता है। और इसके औषधीय गुणों से यह भरा पूरा पौधा है। इसके इतने औषधीय गुण हैं कि जिसको हम गिना भी नहीं सकते। शुगर में और बवासीर और स्किन की दवाइयाँ से बनती हैं। खाली पेट इसका सेवन सुबह सुबह करने से हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है। पर इसको खाने से पहले, इसका औषधीय लाभ उठाने से पहले हमें किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यह लगाने के लिए तो दोस्तों हमें इस पौधे को अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। इसके इतने अच्छे औषधीय गुण हैं और यह लगाने में इतना सरल है कि इसको कभी भी हमें प्रोपोगेट नहीं करना पड़ता। इसको अगर हम एक बार अपने गार्डन में लगा लें तो यह सदा हमारे गार्डन में बना रहता है, क्योंकि यह इसके बीज जब चारों तरफ बिखरते हैं तो समय आने पर खुद ही नए पौधे तैयार हो जाते हैं। और इस पर कभी कोई बीमारी नहीं आती, ना ही इसको कोई भी कोई जानवर खाता है, क्योंकि इसके पत्ते स्वाद में कड़वे होते हैं और इस पर कभी किसी बीमारी का अटैक नहीं होता है। बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाला ये खुद की पौधा है। और अब बात करते हैं इसकी प्रजाति के बारे में। तो दोस्तों यह कई रंगों में आता है, देसी भी। देसी तो सफ़ेद और गुलाबी रंग में ही मिलता है और इसके आयुर्वेदिक गुण भी इन दोनों पौधों में ही हैं। वैसे हाइब्रिड भी अब ये इंडिया में मिलने लगा है, जो कि कई रंगों में आता है, डार्क गुलाबी और बहुत सारे रंगों में आता है, पर उनका आयुर्वेदिक लाभ नहीं है। तो आपको जो पसंद आए आप वो लगा सकते हैं। डायबिटीज़, कैंसर, बवासीर में इसकी बहुत से लाभ हैं और चेहरे के दाग धब्बे भी इससे, इसके फूलों का रस लगाने से समाप्त हो जाते हैं। कीटे मकोड़े, जैसे कि कीड़े मकोड़े खा ले मधुमक्खी बिच्छू के काटने से, इसके पत्तों के को पेस्ट बना के उसको लगाने से तुरंत लाभ मिलता है। दाद खाद खुजली में इसके पत्तों और नीम के पत्तों को इकट्ठा मिला के उसका रस लगाने से भी बहुत ही इसके लाभ आते हैं। अब बात करते हैं कि इसको प्रोपोगेट कैसे करते हैं, कि इसके नए पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो इसको आप अगर एक बार इसको अपने बाग में लगा लें, अपने घर में लगा लें, तो इसको उगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बीज जहाँ भी गिरते हैं यह खुद ही उग जाता है। इसको बस रिपोर्ट करते रहें अपने जहाँ पे आपको लगाना है। इसकी बहुत ही सुंदर क्यारी फ्लावर की बनती है। इस पर बहुत सुंदर सुंदर तितलियाँ भी इसके ऊपर अपना घर बनाती हैं और आती रहती हैं। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है हमारे घर में। इसको हमने एक ही बार लगाया होगा, मुझे तो कभी याद नहीं आता कि मैंने इसको कभी बीज से दोबारा से इसको लगाया है। और साथ में मधुमालती भी खिल रही है। अब बहार का समय है इनके ऊपर, तो इसको अब अपने घर में अवश्य लगाएं। इसको ज़्यादा खाद और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा बहुत इसको देते रहें। सर्दियाँ आने पर ये थोड़ा सा इसकी बढ़त रुक जाती है, तो उससे पहले हमें इसकी कटिंग करते रहना चाहिए जहाँ पे इसके फ्लावर आ गए हैं। अगर फिर वहाँ से ग्रोथ ना हो तो इसको हमें कटिंग करें तो ये अच्छे से बढ़ता रहता है। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने घर में सदाबहार के पौधे को अवश्य लगाना, ये तो लगभग हर घर में ही मिलता है। पौधा इतना सुंदर होता है। तो अपना खूब ख्याल रखें, नेचर का ख्याल रखें, प्रकृति का ख्याल रखें और पेड़ पौधे लगाएं। और हैव ए गुड डे। बाय बाय।